हबुका किचन में आज हम बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जालफ्रेजी बनाएंगे। अगर आपको चिकन जालफ्रेजी की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन जालफ्रेजी बनाने के लिए कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आधा कप रेड कैप्सिकम, आधा कप येलो कैप्सिकम, आधा कप ग्रीन कैप्सिकम और आधा कप प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1/2 किलो बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन का कलर चेंज हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद ये ड्राई हो गया है तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कैप्सिकम और प्याज ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच मरी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज और कैप्सिकम को ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए चिकन के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करके इसे सर्व करेंगे। अगर आपको चिकन जालफ्रेजी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।